नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। आज है 16 जून 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज का मुख्य क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर का किया वर्चुअल लोकार्पण, इसका नाम क्या होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फ्लाईओवर है और यह मध्य प्रदेश के आप देखेंगे मिनिस्टर हैं और यह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इसका वर्चुअल लोकार्पण करते हुए यहाँ पर इसके बारे में जो सरकार का पूरा जो निर्देश और जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो इसको हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो कि आगामी किसी भी एग्जाम के हिसाब से काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इस लेक्चर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस जस्टिस ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए सिक्योर वाईफाई प्रोजेक्ट का किया वर्चुअल लोकार्पण शुभारंभ किया। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के कौन से ऐसे जो जज हैं जिनके जस्टिस हैं जिनके द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए सिक्योर वाईफाई प्रोजेक्ट का किया वर्चुअल शुभारंभ। तो आपका ऑप्शन नंबर एक है डॉक्टर चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर दो है मोहम्मद रफ़ी, ऑप्शन नंबर तीन है मोहम्मद हिमायतुल्ला और ऑप्शन नंबर चार है गीता सेठ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक डॉक्टर चंद्रचूड़। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है जिनका नाम है डॉक्टर चंद्रचूड़ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड आप देखिए दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की। यह कौन है दोस्तों, यह दोस्तों मध्य प्रदेश के वर्तमान कौन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान हाई कोर्ट के क्या हैं, मुख्य जज हैं अर्थात चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दोस्तों यह कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ी, यह 26वें नंबर के चीफ जस्टिस, याद रखना है आपको कौन से नंबर के हैं, 26th नंबर के यह चीफ जस्टिस हैं दोस्तों। और इसके पहले यह कहां के चीफ जस्टिस थे दोस्तों, इसके पहले यह चीफ जस्टिस थे आपके उड़ीसा हाई कोर्ट के, तो इसको भी आपको याद रखना है। एम हिदायतुल्ला कौन है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के प्रथम चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, इसको भी आपको याद रखना है, प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कौन थे, एम हिदायतुल्ला। लास्ट आप नाम देख रहे होंगे गीता सेठ। दोस्तों, यह प्रथम महिला थी जो किसी भी राज्य की कौन थी, किसी भी राज्य की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, तो इनका नाम क्या है, गीता सेठ। यह भारत की प्रथम महिला थी जो कि किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट है उसकी कौन थी, मुख्य न्यायाधीश थी, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यहां पर अब चर्चा हुई है सुप्रीम कोर्ट की और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो इससे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को मैं यहां पर रिवाइज कराने की आपको कोशिश कराऊंगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 3 खंडपीठ है, सभी को मालूम है दोस्तों, जबलपुर मुख्यालय है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का और मध्य प्रदेश की जो 3 खंडपीठ बनाई गई थी इंदौर और आपका ग्वालियर में 2 है और तीसरी भोपाल में प्रस्तावित है, इन तीनों को बनाया गया था। वर्तमान में 2 ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 2 का ही उत्तर देना है। और यह कब बनाई गई थी, 1968 में बनाई गई थी दोनों की दोनों। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट का मेन मुख्यालय है जबलपुर में, इसके डिजाइनर कौन थे, इनका नाम कौन था दोस्तों, हेनरी नाम था। क्या नाम था, हेनरी, इनके द्वारा इसकी डिजाइन बनाई गई थी दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर आपको कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं जो भी हाईकोर्ट होती है उनके अनुसार। दोस्तों, स्पेशली हाईकोर्ट का प्रावधान किसके अंतर्गत होता है, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत हाईकोर्ट का प्रावधान किया जाता है। हाईकोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 214 के अंतर्गत हाईकोर्ट का प्रावधान है, 215 अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यह अभिलेख न्यायालय होंगे, अर्थात इनके द्वारा दिए गए आदेशों का क्या किया जाएगा, अभिलेखनगण किया जाएगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और जो भी इनके अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो इनका रेफरेंस भी देंगे। और दोस्तों, 216 में क्या है, हाईकोर्ट का गठन का प्रावधान किया गया है। अब आपको बता देता हूं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट कोर्ट से संबंधित, जैसे कि 233 के अंतर्गत क्या प्रावधान है दोस्तों, जिला न्यायालय, जिसको आप देखते हैं आप लोगों की प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होता है, उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, 233 के अंतर्गत जिला न्यायालय का प्रावधान है दोस्तों। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के हिसाब से, तो इसको आप याद रखिए, डायरेक्ट सीधा सीधा सिलेबस में दिया गया है प्री में, तो इसको काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनने के काफी अधिक चांसेस रहेंगे। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा 241 के अंतर्गत क्या किया गया है दोस्तों, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके लिए हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है, किसके अंतर्गत, 241 के अंतर्गत। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 231 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, एक राज्य के जो दो राज्य हैं दोस्तों उनके लिए
एक हाई कोर्ट का प्रावधान कर दिया जाता है। कई राज्यों में आप देखेंगे कि जो एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान कर दिया जाता है इसी के अंतर्गत, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ ने सिक्योर वाईफाई प्रोजेक्ट सहित कितने सॉफ्टवेयर का किया वर्चुअल शुभारंभ? तो कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जिनका वर्चुअल शुभारंभ किया गया था स्पेशली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए। तो कितने सॉफ्टवेयर थे ऐसे? आपको ऑप्शन नंबर एक है 3 थे, 4 थे, 8 थे या फिर 10 थे। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक, 3 जो सॉफ्टवेयर थे दोस्तों उनका वर्चुअल लोकार्पण किया गया है मध्य प्रदेश में, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट पूरी की पूरी न्यूज को। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और जिला अदालत के लिए उपयोगी साबित होंगे सॉफ्टवेयर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ ने सिक्योर वाईफाई प्रोजेक्ट सहित 3 सॉफ्टवेयरों का किया वर्चुअल लोकार्पण। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं चेयरमैन ई कमेटी जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए सिक्योर वाईफाई प्रोजेक्ट नेशनल सर्विस एंड टैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर फॉर डिस्कशन जुडिशियली तथा इंटीग्रेशन ऑफ CIS सॉफ्टवेयर विथ लैंड रिकॉर्ड्स का वर्चुअल शुभारंभ किया। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सॉरी अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा में नवनिर्मित फ्लाई ओवर का किया वर्चुअल लोकार्पण, इसका नाम क्या है? तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा रीवा में निर्मित एक फ्लाई ओवर का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है, तो इसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज, अटल बिहारी वाजपेयी ब्रिज, पंडित दीनदयाल ब्रिज या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, सरदार वल्लभ भाई ब्रिज इसका नाम है। इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? रीवा में किया गया है और इसका वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। यह सभी के सभी ब्रिज किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं दोस्तों? PWD के अंतर्गत बनाए जाते हैं और इसके मंत्री कौन है दोस्तों? गोपाल भार्गव जी इसके मंत्री हैं। इसके पूर्व में दोस्तों यह कहते यह मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वर्तमान में यह PWD मंत्री हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? माननीय कमलनाथ जी हैं जो कि पूर्व में क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज इसका नाम था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया था। आइए आपको रीवा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा हमारे भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर लगा गया है? रीवा में लगा गया है और इसकी टोटल क्षमता कितनी है दोस्तों? 750 मेगावाट, 250 के 3 यहाँ पर संयंत्र है। इसके बाद बताना चाहूँगा इसकी जो विद्युत है दोस्तों 24% जो विद्युत है वह कहाँ पर जाएगी दोस्तों? दिल्ली की मेट्रो रेल के लिए जाएगी। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, 24% जो विद्युत है वह दिल्ली की मेट्रो के लिए जाएगी। और इसका उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों? 10 जुलाई 2020 को किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। गुड़ा नामक एक तहसील है रीवा की, वहाँ पर यह स्थित है। लगभग दोस्तों 1500 एकड़ भूमि में यह विस्तृत है और 500 एकड़ भूमि में यह विस्तृत है, सॉरी दोस्तों 500 एकड़ भूमि में यह विस्तृत है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कचरे से खाद बनाने का संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया गया? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक है रीवा में, रायसेन में, सिंगरौली में या फिर सीहोर में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, रीवा में ही दोस्तों कचरे से खाद बनाने का संयंत्र मध्य प्रदेश में लगाया गया है। परंतु यह इस तरीके का अपने आप में पहला संयंत्र नहीं है मध्य प्रदेश में। ऐसा पहला संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? ग्वालियर में लगाया गया था, याद रखना दोस्तों ग्वालियर में लगाया गया था। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा इसी तरीके के 2 और संयंत्र लगाए गए थे, भोपाल में लगाए गए थे, उसके बाद में लगाया गया था आपके इंदौर में भी इसी तरीके का एक संयंत्र लगाया गया था। और इस तरीके का एक संयंत्र कहां पर लगाया गया था दोस्तों? कचड़े से खाद बनाने का संयंत्र नहीं था, परंतु जो मृत पशु हैं उनके शरीर से दोस्तों, मृत पशुओं के शरीर से खाद बनाने का संयंत्र कहां पर लगाया गया है? सागर में लगाया गया है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आइए और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं कुछ जिलों से संबंधित। जैसे कि रायसेन को आप देखिए, यहां पर रातापानी नामक अभ्यारण्य है और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो कि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। रायसेन से ही दोस्तों एक जगह है जिसका नाम क्या है? कुवारा गांव। और यहां से क्या निकलती है दोस्तों? बेतवा नदी निकलती है जो कि यमुना में जाकर मिल जाती है। कहां पर? हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है। इसी के ऊपर कुछ परियोजना है, हलाली विदिशा में है, इसके बाद में इसी पर आप देखेंगे माता टीला जो कि ललितपुर के पास में है, UP-MP की संयुक्त परियोजना है। यह सभी परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। सिंगरौली आप देख रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी इसे कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र यहीं पर है, शासन ताप विद्युत केंद्र भी यहीं पर है। सीहोर
दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। बुधनी यहीं पर है जहां पर आपका रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। और अभी बुधनी में दोस्तों क्या किया गया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दो ऐसे जगहें थी बीना जहां पर लोकार्पण किया गया था अस्थायी अस्पताल का, और सीहोर में भी अस्थायी अस्पताल का लोकार्पण किया गया था। देखते हैं रीवा और बिंद क्षेत्र का समग्र विकास जारी रहेगा। कैंसर मरीजों के लिए दोस्तों रीवा में सर्व सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नवनिर्मित फ्लाईओवर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज होगा। रीवा में कैंसर के मरीजों के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। रीवा का निरंतर विकास हो रहा है। रीवा से वर्चुअल शामिल हुए पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने के नेतृत्व में रीवा में तेज गति से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत जुलाई में गुड़ में एशिया की सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण किया था। गत अक्टूबर में रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रारंभ हुआ। कचरे से खाद बनाने का संयंत्र भी यहीं पर स्थापित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस ताप विद्युत ग्रह ने चचाई यूनिट नंबर 5 ने 150 दिन में निर्बाध बिजली उत्पादन कर बनाया नया रिकॉर्ड। आपका ऑप्शन नंबर 1 है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, संजय ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र या फिर पैंच ताप विद्युत केंद्र। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र ने 150 दिन तक निर्बाध रूप से बिजली देने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि अपने आप में एकमात्र ऐसा ताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश का। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहां पर है दोस्तों, यह 1965 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। कहां पर है यह आपके दोस्तों अनूपपुर जिले में आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे संजय ताप विद्युत केंद्र, यह कब एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, यह 1993 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था उमरिया में। यह है कहां पर है उमरिया में यह है। थर्ड आप देखेंगे दोस्तों विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं हमेशा आपको बताता हूं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। लगभग 4000 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता, और अभी वर्तमान में यह 3200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ सिंगरौली में स्थित है। और इसकी जो विद्युत है दोस्तों 5 राज्यों की इसकी विद्युत जाती है, इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आपका गोवा, और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दमन एवं दीप। और मध्य प्रदेश की लगभग 30-35% विद्युत आपूर्ति करता है यही एकमात्र विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, इसीलिए सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। पैंच ताप विद्युत केंद्र कहां पर है दोस्तों, छिंदवाड़ा में है, तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह ताप विद्युत केंद्र। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चचाई की यूनिट 5 नंबर में 150 दिन निर्बाध बिजली उत्पादन कर बनाया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश पावर जनरेट कंपनी में अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चचाई की 210 मेगावाट उत्पादन क्षमता की यूनिट नंबर 5 ने पिछले सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए लगातार 150 दिनों से निर्बाध रूप से बिजली उत्पादन कर रही है। इस दौरान यूनिट नंबर 5 का प्लांट लोड फैक्टर PLF 99.15% और प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 100.98% दर्ज किया गया है। दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन, 100% कोविड टीकाकरण कराकर स्वर्णिम इतिहास रचा आदिवासी बहुल ग्राम जमुई ने, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में। कल मैंने आप लोगों को बताया था 18 से 45 वर्ष का जो टीकाकरण है उसमें यह 100% एक डोज लग गया है इस गांव में, और यह आदिवासी बहुल ऐसा एकमात्र गांव है, तो किस जिले में यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश के किस अत्याधुनिक प्रयोगशाला में किस गिर गाय ने थापर कर बछड़े को जन्म दिया, और यह मैंने आप लोगों को बताया था कि यह जो प्रयोगशाला है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। थर्ड आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर बनाए जाएंगे कौशल प्रशिक्षण केंद्र, और दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में बन रहा है कौन सा, पूरे भारत का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र बन रहा है, किस देश के सहयोग से बन रहा है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और PDF लेना ना भूलें।